अपने तक रखने को बोला था, शेयर क्यों किया? थोड़ी देर और रुक जाता तो कुछ अच्छा देखने को मिलता। क्या? तू चुप रह, जो भी हो, वैसे भी उसे लोगों को बताते हुए शर्म आएगी। चल बाद में मिलते हैं, देखते ठीक है। मुझे यकीन नहीं होता वो उसकी गंदी तस्वीर के बारे में बात कर रहे थे। मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने उसे देखा क्या? देखा? तुम्हें क्या लगता है ये वही है? हेलो, क्या कहा तुमने? तुम्हें पूरा यकीन है? वो सच में? वो पागल है वो? ओके ठीक है, समझ आ गया। तुम हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लायक नहीं हो। तुमने हमें धोखा दिया गद्दार। मेरी भूख मर गई, बस हो गया। आयुन इन दिनों स्कूल भी नहीं आ पा रही, पर तुम्हारे लिए सब कुछ कैसे ठीक होगा? वो पागल? प्रेजेंटेशन की तैयारी हो गई? हाँ। मेरे कुछ खास दोस्त आना चाहते हैं, अच्छा करना। हाँ मैं करूंगा। ये क्या है? इस पैन है क्या? आजू बात तो करो। मैं अपनी प्रिपरेशन में बहुत बिजी हूँ, बाद में मैसेज करता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? कुछ तो कहो, क्या बात है? चाहे तुम कितने भी बिजी हो, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। अर्जुन प्लीज मुझे जवाब दो इसके पहले कि मैं पागल हो जाऊं। क्या और कोई सवाल है? मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म हुआ। मुझे सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज जोरदार तालियां हो जाएं। और अगले हैं यांग जून, साउथ कोरिया सियोल से, और अभी वो स्टूडेंट है हाइंगयांग हाई स्कूल के, और वो आपके सामने प्रेजेंटेशन करेंगे रोबोट जर्नलिज्म पर। आपसे गुजारिश है, तालियों से स्वागत करें। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो मैं शुरुआत करता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन की, रोबोट जर्नलिज्म ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो हम बात करते हैं रोबोट जर्नलिज्म। क्या यही तुम हो? क्या ये तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर है? क्या तुम ये प्रूफ कर सकते हो? मैं वैसे तो अपना फेस नहीं दिखाता, पर आज मैं दिखाऊंगा। मैं हैंडसम भी हूं और स्मार्ट। मैंने अब मेरा चेहरा दिखाया, अब तुम मेरे लिए क्या करोगी? तुम्हें क्या चाहिए? वही जो बच्चों को देखना अलाउड नहीं है। कुछ इस तरह? तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। तुम्हारी स्क्रीन हिल क्यों रही है? तुम मुझे देख सकती हो? तुम्हें नहीं दिख रहा, कैमरे में कुछ गड़बड़ है।
मुझे अपना अंडरवेयर दिखाओ। अब क्या मैं भी तुम्हें सब दिखाऊं? वाह क्या बात है। कैसा दिख रहा हूं मैं? माफ करिएगा दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से हमें ये प्रोग्राम नहीं रोकना पड़ेगा। इस प्रेजेंटेशन में जो लोग भी शामिल होने के लिए आए हैं थोड़ा इंतजार करें, अभी थोड़ी देर में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कृपया शांति बनाए रखें, प्लीज अपनी सीट से उठकर ना जाएं, जहां पर हैं वहीं बैठे रहें, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। लोग मांग कर रहे हैं कि नेताजी को पद त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे की वीडियो चैट लीक हुई है और ये बहुत ही शर्मनाक बात है, इसलिए उन्हें पद त्याग करना ही चाहिए। बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, ये इसी के लायक था, अब ये किसी के मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचा। लेकिन क्या इस ऐप का इस्तेमाल करना सही रहेगा? हे भगवान, क्या तुमने न्यूज देखा? ये क्या किया? कल मैं उसे स्कूल के सामने मारूंगा। ओह रियली, मैं बहुत खुश हूँ, किसी ने तो उससे बदला ये लिया। के, मैं घबरा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। हाँ, तेरे पीछे। मुझे पक्का यकीन है कि इन तीनों में से कोई झूठ बोल रहा है। ये तुम हो? या तुम? तुम बदमाश कहीं के? तुम्हें जीरो मिलेगा अगर कल तक तुमने अपना असाइनमेंट नहीं दिया तो। बेहतर होगा कल तक दे दो। अबे टिफिन में क्या लाया तू? अरे मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे निकल ना। नहीं तूने अपने नोट्स पूरे किए? मैं आ रहा हूँ। अरे तू भी आना। ये देख ये देख क्या आ रहा है? ये तो किवी फ्लेवर वाला है। मैं आ रहा हूँ अपने घर के पास से लेके। आप तुम बोल रहे हो क्या? बहुत मुश्किल था। सीना तुम ऐसे क्यों देख रही हो? लेकिन मजा आया ना कल, क्या हुआ उसने? तू ऐसे ही है। लोगों को इतनी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। अरे इसके बाद कौन सा लेक्चर है? क्या पता तुमने होमवर्क किया है क्या पूरा? नहीं बे, ये हमारे यहाँ का नहीं लगता। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैं तो नीचे जा रहा हूँ। अबे रुकना, आता हूँ साथ में। इस मामले में तुम कैसे फंस गए? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हैकिंग आती है और मैं उसमें काफी अच्छा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। बस कुछ समय की छुट्टी ले लो, बस फिर सब लोग भूल जाएंगे इस बात को। समझ रहे हो ना, ये बच्चे इतने भी होशियार नहीं है। मेरे पास एक सवाल है। सवाल? मुझे लगा था ये एक स्पैम है, लेकिन ये कुछ अजीब है। ये क्या है?
सुनिए सुनिए, फाइनल्स के लिए तुम सबको ये गाना गाना चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम लोग अच्छा गाओ, ये एक तरह से तुम लोग के लिए एक ऑडिशन है और कुछ भी नहीं। जरूरी ये है कि तुम इस गाने को एकदम मन से गाओ और इसका मजा लो। यही बात तो मैंने तुम सबको समझाई है ना? यस। तो आज की क्लास खत्म। हम ये कैसे गा सकते हैं? मुझे नींद आ रही है यार। हमारे म्यूजिक टीचर कितने हैंडसम हैं। फाइनल्स के वक्त वो इतने हैंडसम नहीं लगते हैं। जब फाइनल की बात आती है तो ये सबसे ज्यादा टफ बन जाते हैं, मैं मानती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं पहले से मिड टर्म में फेल हो चुकी हूँ। अपने दिमाग को फिर से तैयार कर लेते हैं फिर से फेल होने के लिए। अगर एस्ट्रो का गाना गाती तो अच्छे मार्क्स से पास होती। वो सबका गाना सुनते क्यों नहीं है? शायद एक को ही मिड टर्म में 90 से ज्यादा मिला है। वो कौन था? नेक्स्ट। वो देखो आई है। नेक्स्ट। वो नेक्स्ट। वो तो एक शब्द ढंग से गा भी नहीं पाया। वो देखो आई है बहारों की रानी। नेक्स्ट। वो नेक्स्ट। वो देखो नेक्स्ट। वो देखो आई है बहारों की रानी। देखो कैसे छाई है काली घटा सुहानी। वो देखो आई है बहारों की रानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गाया तुमने। कुछ इस तरह से सुर लगाओ। वो देखो आई है, इसने कितना अच्छा गाया, बिल्कुल सही सुर लगाया। मिन्हा तुमने बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड। वाओ वाओ, उसने तो पूरा गाना गाया है। क्या उसकी तरह नहीं क्लास में कोई था? क्या मुझे उन्हें सिखाने के लिए बोलना चाहिए? भूल जाओ यार, इस बार भी हम लोग म्यूजिक टेस्ट में फेल होने वाले हैं। मुझे तो लगता है तुम्हें म्यूजिक सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। यू ही, तुम तो बहुत चालाक हो। अच्छा तो तुम अब कपल फोटो पोस्ट कर रही हो। लो अभी मैं तुम्हारे लिए लाइक का बटन दबा देती हूँ। ओ तुम इंस्टाग्राम पे नई हो ना, फिर भी इतना सारा लाइक्स कैसे मिला? मैंने पहले कभी यूज नहीं किया। ओ कैंगमैन ने तुम्हारे फोटो को लाइक किया है, पता नहीं था वो भी यहाँ पे है। ये क्या है? ये देखो इसने कैसा पोज दिया है। सचमुच में ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन दिखने में ये कोई खास नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे दिखते हो, लेकिन तुम इतनी प्यारी भी नहीं दिखती जितनी तुम दिख रही हो। ओ, क्या बोला तुमने? क्या? ये कौन है? ये भगवान, ये तो बहुत रोमांटिक है। ओह माय गॉड, ये तो स्कूल में बहुत शान दिखती है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत खुश दिख रही है, कूल दिख रही है। इसकी कितनी सारी पिक्चर्स हैं। क्या आज सफाई की तुम्हारी बारी है? तुम्हारा टाइम इतना जल्दी क्यों आ जाता है? मुझे पता है, और मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। दूसरों की मदद करोगी तो ऐसा ही होगा ना। मैं बिजी हूँ, मैं जा रही हूँ। बाय।
ये कभी भी मेरी हेल्प नहीं करती है। हे गुई, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? सच में? थैंक यू। थैंक्स। तुम्हारे रेस्टोरेंट का चिकन मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, सच में, दूसरों को भी बताना। ठीक है, सही कहा। ये रहा चिकन तुम्हारे फैमिली रेस्टोरेंट का, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए लेकर आया था और बहुत अच्छा था। हाँ, ये देख के तो लग रहा है कि हमारे ही रेस्टोरेंट का है। तुम्हें हमेशा मेरे ही रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना चाहिए। चलो चलो, जल्दी सफाई कर लें। ओ, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा पहले। तुमने कहाँ से खरीदा ये? ये विदेश से आया है, ये कोरिया में मिलना मुश्किल है। मेरा बॉयफ्रेंड लाया है। कितना प्यारा है ना ये। बहुत प्यारा लग रहा है। क्या मैं फोटोज देख सकती हूँ? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास कार है? क्या वो हाई स्कूल में नहीं है? वो मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा है। कितना बड़ा है? कॉलेज में पढ़ता है? नहीं, उससे भी बड़ा है। सुनो, एक अच्छा सा चिकन देना प्लीज। अरे, बहुत समय बाद आए आप। मैं आपके लिए बहुत लजीज चिकन बनाता हूँ, बस थोड़ा रुकिए आप। ठीक है, धन्यवाद। मैं घर आ गई। हेलो मिस्टर राम। अरे, तुम क्लास 7 की यूही हो ना? क्या ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है? हाँ, यस। ओ, आप गुही के टीचर हैं? अरे, पहले बताते तो हम आपको अच्छा डिस्काउंट देते। रुकिए एक मिनट। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रुको रुको रुको, ये भी आपके लिए है। थैंक यू वेरी मच। फिर से आइएगा। अगली बार आपको और कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये अपने तहजीब में नहीं बैठता। एक अच्छा चिकन ही मेरे लिए बहुत है। ये तो देखिए, फिर तो आपको हम अगली बार और लजीज चिकन देंगे, समझ गए आप? धन्यवाद। यू ही स्कूल में मिलते हैं। यस सर। फिर आइएगा सर। गुड बाय। शुक्रिया। अरे वाह वाह, ये तो बहुत हैंडसम है। तूने पहले क्यों नहीं मिलवाया मुझे? ये तो बिल्कुल मेरे टाइप के हैं। पापा है तुम्हारे टाइप के। हां, हाँ, तुम सही कह रही हो। हाँ, क्या कर रहे हो? जाओ ना, काम करो। मिस्टर ओम। हाय मिहा। आप आ गए? क्या ये चिकन है? हाँ, घर आते आते ले लिया। कहाँ से लाए हो आप? वही रेस्टोरेंट से। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे घर के पास से 7:50 की बस में बैठ जाना, समझी? गुड नाइट। ठीक है, मैं जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। गुड नाइट। ए, रुको मेरे लिए। रुको 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 रुको, प्लीज प्लीज प्लीज, रुको प्लीज, मेरे लिए रुको। खोलो 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 खोलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे संभाल के, बहुत भीड़ है। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। निकलो ना। आराम से आराम से। कमर दो तुम। अरे भाई, मेरा बैग भी ले जा रहे हैं। अरे यार, अरे धक्का मत दो यार। मेरे बैग तो छोड़ो, साइड से निकल जाओ ना। मेरा पैर। आराम से। अबे हट। बहुत भीड़ है यहाँ। आपकी चेन खोलिए। लगता है जल्दी उठ गई। वो शायद उठ जाएगा तो वहाँ पे सीट मिल जाएगी, तो मैं जाना वहाँ पे जाके। मैं भाग नहीं रही थी, वो तो बस एक्सक्यूज, मेरा वर्कआउट है। साइड में होना थोड़ा। क्या हुआ? तुमने कुछ अजीब देखा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। ओ, ए, क्या तुमने कभी किसी टीचर को पसंद किया है? नहीं।
मुझे बड़े लोग कभी पसंद नहीं आए, वो लोग मुझे बुढ़ाओं की तरह लगते हैं। ओ हे रुको, क्या तुम टीचर को पसंद करती हो? क्या तुम जी हूँ का इस्तेमाल कर रही थी? कौन है वो, मैथ टीचर, फिजिक्स टीचर या जिम टीचर? ये मैं ते चुप रहे। ये वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा जैसे कि येरी को गुजरना पड़ा था। मुझे पूरा यकीन है इस बार ये पक्का डेट कर रहे हैं, इसीलिए इसने मुझसे कहा था कि इसका बॉयफ्रेंड से बड़ा है। वो देखो आई है महारूप की रानी, देखो कैसे छाई है काली घटा सुहानी। वो देखो आई है बहारों की रानी, बहारों की रानी। वाओ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। बहारों की रानी, आपने उनकी आवाज सुनी, बहुत ही नेचुरल थी, शुरुआत से ही वो एकदम सुर में थी। हाँ बराबर बराबर, मिन्हा अच्छा गया, तालियां हो जाए। ये नेक्स्ट। कितना पार्शियलिटी कर रहे हैं क्या? मेरा मतलब है मीना ने अच्छा गाया। वो देखो आई है बहारों की रानी, देखो कैसे छाई है काली घटा सुहानी। Hey guys, चलना। मेरे पास एक न्यूज़ है, मिस्टर रूम शादी कर रहे हैं और वो सबको इनविटेशन दे रहे हैं शादी के लिए। शुक्र है वो फाइनली शादी कर रहे हैं। अरे कब, कहा, किसके साथ? मुझे कुछ नहीं पता, ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज हो सकती है, जैसे कि ये डिपार्टमेंट हेड या प्रिंसिपल का डाइवोर्स या अफेयर। सच में तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। यस यस, तुम लोगों को डेट करना चाहिए, समझ गए ना? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं इसके लिए बहुत अच्छी। तुम ही ढूंढ लो कौन अच्छा है, मैं भी तो अच्छा हूँ। तुम 5 रुपए क्यों, मैं 50 लाख की। अरे तुमने मेरी इतनी कम कीमत लगाई। ये सच नहीं है, है ना? क्या आपकी शादी नहीं हो रही है ना? वो सब झूठी बातें कर रहे हैं। तुम बोल क्या रही हो, मैं शादी कर रहा हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर राम, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मीना शांत हो जाओ, कहीं और चल के बात करते हैं, ऐसे मत करो। मिस्टर राम, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मीना शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम हमेशा साथ में वक्त बिताया करते थे, हमारा रिश्ता खास था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? तुम शादी कैसे कर सकते हो? ये नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो चलो अपने क्लास में जाओ, चलो जल्दी जाकर पढ़ाई करो, जल्दी। अंदर जाओ। चलो जल्दी। भगवान, क्या मीना ने सच में ऐसा किया? मीना बहुत ही ज्यादा रोई है, क्या वो ऐसा करती अगर उनके बीच कुछ भी ना होता? मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मिस्टर उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे थे, उसे अच्छे मार्क्स भी मिलते थे इसके लिए। मुझे भी लगा कुछ तो है। हाँ, मैं जब क्लास में सेलफोन इकट्ठा कर रही थी तब मीनास का फोन केस काफी अच्छा लग रहा था। मिस्टर ओम, मैं सेलफोन ले आई। ओह थैंक यू।
क्या हुआ? वो नोटबुक्स। मैंने चेक कर लिया है, वापस दे दो। थैंक यू। मिस्टर ओम और मेनास का फोन केस उनका प्यार जताता था। उनके फोन केसेस एग्जैक्टली मैच होते थे। हे भगवान, मैचिंग फोन केसेस। अगर फोन केस की ही बात है तो मिन्हा ने खुद ही मैचिंग फोन केस ढूंढ लिया होगा। इसके लिए और बेहतर सबूत चाहिए। तो तुम्हें लगता है कि वन साइडेड है? हमें दोनों साइड की बात पता चलनी चाहिए। हे मिना, कहीं एक तरफा प्यार तो नहीं? तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है सब मैंने खुद से किया है? हम एक दूसरे को चाहते थे, हम एक रिश्ते में बंधे हुए थे। मुझे इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये मिस्टर ओम की तरह लगता है। कुछ तो बात जरूर है यूही, तुमने अभी तक अपना लंच भी फिनिश नहीं किया। क्या हुआ, तुमने अपना बनाना मिल्क भी नहीं पिया? क्या बात कर रही हो? तुमने उसको सर के साथ अपार्टमेंट में देखा था और स्कूल आते वक्त उनके कार में भी? इस फोटो में इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी उंगलियों और नाखून मिस्टर ओम से मैच कर रहा है ना। मैं आदमियों के हाथों को बहुत करीब से देखती हूँ। ये कैसी है, मस्त है ना? तुम्हारा हाथ बाजू में रखो। ये प्लास्टिक बैग्स मेरे रेस्टोरेंट के ही हैं। मैंने उन्हें चिकन खरीदते हुए देखा था मेरे रेस्टोरेंट में। इसके बारे में बात नहीं करते, हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्या मिस्टर हमने ये सही में किया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुमने वोमिट तो नहीं किया? तुम 107 के स्टूडेंट हो, तुम बीमार दिख रहे हो। आज अब अपने टीचर के साथ क्यों नहीं आए? तुम उनके साथ कार में क्यों नहीं आई? इसे तो गार्ड ने भी पहचान लिया। लगता है इसे सारे लोग यहाँ जानते हैं। सही कह रही हो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? और दबाओ। मेरी बच्ची क्या कर रही है? बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही हो? अरे इसे तो मैं जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं इसे? मैं तो कभी इसे यहाँ नहीं लेके आई। क्या ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ। फिर वो वहाँ क्या कर रही थी? ओ ओ ओ ओ आपका चिकन आ गया है। एक मिनट रुको। ठीक है। हाय, हेलो, ये लो आपके पैसे। शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, क्या 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 मैं बाथरूम यूज कर सकता हूँ? बहुत जोर से लगी है। वैसे तो मैं अक्सर किसी को परेशान नहीं करता इस तरह, लेकिन आज मजबूरी थी। अरे कोई बात नहीं, उसमें क्या है। ठीक है ठीक है।
ये कुछ कूपन है आपके लिए, लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, बाय। शुक्रिया, बाय बाय। मिस्टर ओम। ओ मिन्हा, ये आपके लिए, ये अच्छा बना था इसलिए आपके लिए लाई। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। सच में? क्या तुमने इसे खुद बनाया? तुम जीवन हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। ओह, मिन्हा ने अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। तो क्या उसके घर भी गई थी? मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता, इस वजह से मेरी एंगेजमेंट भी टूट सकती है। शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ।